वोट जो है जो देवलाल के फोटो का मिलते हैं और उनके ऊपर गाजी का फोटो नहीं उतरता। गलत तो नहीं कह रहा मेरे दादा, नहीं कहता दादा तो वो जननायक है ना, ओम प्रकाश जी के फोटो की भी जरूरत नहीं, वोट तो उनके नाम के मिलते हैं, मुझे भी उनके नाम के मिल रहे हैं और हमारे अभय को बिल्लू कह दो उसको भी चोर देवीलाल के नाम के मिल रहे हैं। मैं गांव से एक कहूंगा, मैं किसी पार्टी में तो इंडिपेंडेंट हूँ, जीत के गया, टिकट काट दी, 87 में मैं वजीर था जो ओम प्रकाश ने हर एक पे ट्रायल करी, बड़े सुलझे हुए आदमी थे। ओम प्रकाश जी को बनाया, पहले प्रताप सिंह जी को बनाया, 67 में बना दिया था नहीं चला सके, फिर उसके बाद ओम प्रकाश जी को बनाया, वो भी मामला नहीं चला, फिर तीसरी बार मुझे बनाया 87 में, और सारे इस बात के गवाह के भुट्टो साहब तो पूरे राष्ट्रीय पार्टी बना रहे थे और 87 से 90 तक मैं ही सरकार चलाता था, पूरे हरियाणा की मुख्यमंत्री वाली हैसियत रणजीत सिंह की थी, गलत तो नहीं कह रहा था। जो सब वहां घूम रहे थे 3 साल पत्ता ही नहीं हिला, अरे भाई ओम प्रकाश जी मेरे से बड़े, आज भी बड़े भाई है, मैं तो पैरों की भी हाथ लगाता हूँ, पर जैसे उन्होंने हुआ चो देवलाल का भी बंटाधार उनका भी बंटाधार, 3 महीने में 0 करके वापस आ गए, ये हुआ ना जी सारे वक्त याद होगा, चो देवलाल सीट वाले में जाते थे, सर्दियों में भी रात को मीटिंग एड्रेस करते थे, बड़ी मेहनत उनकी थी, नहीं चला मामला और आज जिले की भी पार्टी नहीं रही, 0 हो गया। अब हम 4-5 आ गए जी, सारे टेस्ट पे हैं, लोगों ने तो चो देवलाल के नाम से बना दिया, पर आगे तो हमारा इम्तिहान है ना जी, हमारे बच्चे हैं कल बने हैं। मैं ओम प्रकाश तो ऐसे वक्त देखे कि हम गांव जब चुनाव था 74 बाई इलेक्शन चो साहब का बाई बड़ा निर्णायक चुनाव था, हम रात को आते थे, सर्दियों के दिन थे, रजाइयों की डांग लगी होती थी, यूंतरा धर्मशाला में तब रेस्ट हाउस का कल्चर नहीं था, और हम रात को 2 बजे आते, 2:30 घरवाड़े लेट आते, इतने तक गदरियों पे गद्दे बिछे होते थे, लोग सोए होते थे, हम रजाई लेके सो जाते थे जहाँ बीच में जगह देखी उसी में, और उसके बाद वहाँ जो है ना ये सुबह उठते तो देखते इधर ड्राइवर सो रहा है इधर रसोईया सो रहा है, हमें इस बात पे फर्क नहीं था, जनता से जुड़े हुए थे, हर गाँव में रुका हूँ मैं, और हमने गाँव में एक एक गली में सरपंच के वोट मांगे, याद है ना एक बार जब हिटलर था तब मैं गाँव में सरपंच के वोट मांग रहा था, और उसके बाद ये बच्चे हमारे ये तो कॉरपोरेट हाउस वाले हैं, बड़े गए चो देवीलाल के नाम से पार्टी बनाई थी, 10 MLA बन गए, पर चौटाला में आ जाए तो ये पता नहीं है गुणी आवास कौन सा है, कंकरी आवास कौन सा है, चिड़ाव आवास पीछे है, कौन नहीं पता, कौन नहीं पता, जब चौटाला का नहीं जाना तो अगला गाँव कौन जाएगा। अब मेरे इम्तिहान पर हाँ मैं तो जाना थारी तकलीफा देखी है, मेरे आंदोलन में रहे, हमें गिरफ्तारियां दी है, पन्नी वाले मुठे गोलियां चली न्याय युद्ध में, मैंने बटे अरेस्ट कर तो गोलियां चल के 2 आदमी मारे गया, तो मैं तो यह वक्त भी देखा थाना में रात काटी है, रात न रहे और थाने गवा जो की रोटी मिल गई भाई खाई है, लंगरिया गुरु खाई है, हाँ बच्चा तो हेलीकॉप्टर आया दिन का आंकड़ा देखा वापस चला गया, तो आ तो बहुत वक्त ही कौन देखो, दिल्ली में डिस्को की लाइफ, 5-star होटल, 7-star फार्म हाउस, तो भाई अब तो मेन काम करा, पसंद तो थे करने को थारो काम करे, एक गलती थे भी कर दो, मेरे लिए तो भुगते लिए 30 साल बाद फिर करे हो, पर मैं यूं बताऊं ये आदित्य को के कसूर हो, चो देवीलाल को तो पोतो ही हो, बांगो घर से क्या पोई कने चुटाने में तो ही रहे, मैं तो रही को नहीं, गलत तो कौन, क्यों मेरी बात गलत है, टोलते ही हो, मैं तो ओम प्रकाश जी चले गयो, मैं ही चले गयो, और प्रताप सिंह की भी आधी गिरदावरी तो डबाड़ी में आधा अठहर है, और चौसाब राम का भी अठे कौन रहे बच्चा कोई रहे, तो केवल आदित्य रहे ना जी, हवेली भी चौसा में जठे में पैदा हुआ भाई इंकने, मैं चुटाला ने 1 साल पूछू मैं माने रगड़ लिया तो मैंने बताओ इनको के कसूर हो, पूछ रहे हो ना जी, डॉक्टर तो चो गणपत राम को बेटो हो, जो गणपत राम ने कभी पर्ची दी के मंगा उन्हें पूछ दी के थे यार, थे तो कम थे पार्लियामेंट को फैसलो करो, थे चुटाला गाऊंगा वो काम करो, कोई बात ही नहीं, गलत क्यों होंगे मैं, क्यों बोल राम जी, मैं मनोहरलाल जी की सरकार में बैठे हूँ, पर बात तो सच्ची करूंगी, इंडिपेंडेंट बन गयो, मैंने MLA बनायो, थे कांग्रेस मेंबर थे के थे कांग्रेस था ना, मैं बड़ी रैलियां करी 40 सालों कांग्रेस की, जो देवीलाल कांग्रेस छोटी थी, छोटी ने बगावत करके छोटी,
ओम प्रकाश छोड़ी, प्रताप सिंह भी छोड़ दी, मैं भी छोड़ दी, फिर भी डॉक्टर के लारे गणपत का छोरे के लारे हाथ पकड़ी थे, वहां बढ़ जाए हाथ है। मेरी बात गलत है तो बता दो यार, थरो आप पानी कौन समझो जुटा ले लोगों के खेतों में। तो आइंदा है ना, मैं मंत्री होता डबाड़ी हल्का को जुटा ले को मंत्री हो गया थाना बता मेरे हाथ नहीं हसा गया, मुख्यमंत्री को हाथ नहीं हसा गया, इनको कोई काम नहीं रुकना चाहिए। जगह अधिकारी कड़े सुन लियो जी, अगर इनको कोई काम में रुक गया तो कुछ सुनूंगा को नहीं, मैं थन पहले बता देता दब के काम करो। कल मैं बिजली बोर्ड की मीटिंग ली सारे महकमे की, और कल 8-10 घंटा बिजली कटती, और जिसका ट्यूबवेल है चलो आपने कहा मैं थोड़ा है, पर जठे ट्यूबवेल है बैठा 8-10 घंटा बराबर 40 जितना ही सिंचाई को टाइम रहा चुटा लेगा। हमको पूछा और भाई चुटा लेगा वहाँ बिजली, मैं कई बार आऊँ तो मैंने पहला कह देता ठीक बैठ तो बोले जी बिजली कोनी 24 घंटा बिजली करता। कल मैं पूछो बोले जी एन चक्का चक कितने दिन, बोले जी लारू ही चल लिया वह, बोले जी अब कोनी अब गांव में तो जरूर समझा दियो कि बिल टाइम वो भर दिया, बिजली की कमी कोनी आ दिया, कई डिफॉल्ट रहने पर कनेक्शन कटवाओ बढ़िया बात कोनी, थोड़ा सा फिर भी मामला अब तो 24 घंटा रहना जी कठी दिक्कत आओ तो मैंने बता दियो। एक काल और फैसलो करो, मैं बोले भाई सारा अफसर बैठे चीफ इंजीनियर सब सर से एक दिन बिजली चली गई, और मेरा ओम प्रकाश जी का हॉटलाइन पर है कनेक्शन डबल है सर्किट है डीसी एसपी गैरेज से बठी मारे भी लाइन पर ही जय कोनी पर। एक दिन मैं राजस्थान गेटो सारा बच्चा ही गेटा मेरा अपने 10 दिनों आया, जनरेटर में भी डीजल कोनी हो, 12 बजे बिजली चली गई, बाहर आया आदत बिगड़ के पहला छत पर ही सोया करता, अब एसी में सोने की आदत बन गई, तो तंग हो गया 2 घंटा गेड़ा काटा दिन। मेरे पीएस उनके फोन कर बैठा जी अभी आवे बस पहुंच गया मीमा, ट्रांसफार्मर खराब है, 10 कनेक्शन जोड़ा 20 मिनट में हो जाए को नहीं, तीसरे मैं भी बोलो मेरी बात करा आगे फोन ही कौन से क्यों, 6 बार फोन करो कौन करो, 3 घंटा बाद सुबह 5 बजे बिजली आई। कल मैं सारे अफसर ने कह दियो कि भाई आज के बाद में ना कहीं कंप्लेंट करी आगे फोन नहीं उठाए तो देंगे शिकायत कर दियो सुबह सस्पेंड हो जाएगा पूरे हरियाणा में, कट्ठे भी रात में 12 बजे कंप्लेंट सेंटर पर दूंगा तो मेरे महकमे दिन में, मैं था आप ही बता दी तेल को मजा दूंगा थे महीने में देखता रहूंगा मैं कि नहीं हूँ कर दूँ। दूसरा पुलिस वाला खड़े हैं, कल मैं परसों SPDC सारा अफसर जब फर्स्ट विजिट हुआ तो सारा अधिकारी है बैठा, मैं सख्त हो गया कह दियो भाई अब चिट्टो नहीं बिकना चाहिए, अगर आपने गांव में भी अड्डा बनेडा ये लोकल ऐसे कौन है जी आप SHO लोकल है आप चलो आने कह दीजिए, और फिर जो नहीं करे तो मैं मधुबन भेज दूंगा थाना बता जी, फिर कोई देखो टिको लगाओ भी ना छोड़ दो, जो बेचे ना गांव में जाके नशा बेचे भी वो नाम बता दी, अगर नहीं पकड़े तो मेरी जिम्मेदारी है। एक हफ्ते में मैं 6 काल में ऐसे कहती हूँ 6-7 अरेस्ट कर लिया, बाद जरा भी फिर SP साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी क्योंकि मेरे मंत्रालय को नहीं बिजली को वर्त में क्यों कहते मैं SP साहब को कल करा दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल मैं रानिया जाके सारी रिपोर्ट ले लूँ, नशो चिट्टो नहीं बिकन दूंगा जी कठी सर से जिला मैं तो लिख लो मैं लीक काट दी कौन बिकन दूंगा, देख लो बढ़िया काम हो गया 12-12, 13-13 साल की PT खत्म होने लग गया, 4 साल बाद में बच्चा ही कौन लगे बहुत गंदो काम हो गया। और दूसरा है ना है कोई आवारा छोरा बिराज मैंने बता दो जीप से उठवा दूंगा, ऐसे तो सब ऐसे ध्यान रखना कोई हो उठा दो चाहे वो कॉलेज के आगे स्कूल के आगे किसी को बदमाशी नहीं करने देने, हमारा गांव है अमन से रहे, और कहीं नलका कहना आवारा टिंगर खड़े हो तो बता दियो जैसे भी बकती उठावेगा जी। दूसरा जगह है ना फिर मैं थाने कह के थे तब के काम जो मन चुटा लेगा कोई बढ़िया काम बता दियो मैं कर दूंगा, मेरी हर बारी जाके बैठे बड़ो भाई हो कहीं ना रहा दो आप SP बने को नहीं मैंने थानदार कौन बन दिया तो यो करियो आप जिनको भी कोई काम है था वो मेरे को करा दियो की काम हो कठी नौकरी में नंबर आवे तो इन्हें आदि ध्यान दे दीजिए पूरी पूरा CM की भी बहुत मेहरबानी है पर मेरी भी पूरी मेहरबानी आप बता बता बैठे बैठे।
बता दो एक एक चलो बताओ। पहला जनरल जी बोला तुम बात में बता दो बैठे बता दे जोर सागल बता दे जोर बोल दे बिजली का बिल बहुत जी के बोलो ये है और भी अब कल मीटिंग में चर्चा बता दो सारा मीटर है ना मैं बन के भी नया खरीदो या कुकर करो या बिल्ला भी लोग है जंप मारे कंप्यूटराइज है और बड़ा ज्यादा बिल मेरे आपको बहुत बिल है तो मैंने कहा भी आम लोगों की 90% 90% गाँव में लोगों की शिकायत है इन्हें मैं देखने लग रही हूँ मॉनिटर करने लग रही हूँ मैं कह जी मैं तो वो भी कर दियो कि बराबर बार खंभा लगा दिया सागर एक मीटर लगा दियो बराबर वेरिफिकेशन में भी मैं चेक हो जाए चेक भी करवा दिया पर मैं सीएम साहब इस मामले में फिर डिस्कस करूंगा इवा अगर सुधार हो तो अगर कोई नाजायज होती है तो थाने बता दियो बिल्कुल रोकूंगा पर आप कहीं मैं तो समझो कि मीटर में घड़ी ज्यादा गड़बड़ को नहीं अगर हो तो मेरे के घर लग है मैं तो खींच दूंगा तेज चिंता ना करो पर अगर भी मां हो तो अगर भी मां की है ही नहीं नियम ही नहीं है तो फिर मैं क्यों वोट कर सकूंगा अंकल जी एक हमारा कॉलेज और एक बस स्टैंड जी हां वो मैं करवा दूंगा अठे मैं आज रात नहीं कह दूंगा भाई महीने को महीना भी लावा दो महीना को नहीं महीने को महीना दे दिया मैं करवा दूंगा जी मेरे मैं कोई चिंता ही ना करो एक मिनट मैं आगे भी कई प्रोग्राम है कभी फुर्सत में फिर आए चौटाले तो मेरे को नुकी लगी हो कोशिश भी करूंगा मैं सीएम साहब ने भी ले लिया तो थाने कोई बड़ो मामलो दिया और गम में जो की चीज थाने चाहिए ना मेरे महकमे की तो कोई चीज है दोनों में जेल तो चौटाले में क्या भी बनाऊंगा पर थाना ही खास है जे ठीक रखे तो पर देखो है ना बिजली महकमे में क्यों चाह रहे हैं बिजली घर ने बड़ो बनाना है तो बड़ो बना दो देखो बाकी और महकमा में भी हो मैं मंत्री मेरे को ना तो बिजली लेनी है अभी तो कनेक्शन मेरा चलाया चलेगा तो फिर चिंता ना करो कि नहीं जाऊंगा थारा काम आ जाएगा करा दूंगा जो हो जाएगा वाटर बॉय सब तो एस्टिमेट बना कर दिया मैं पब्लिक हेल्थ को करा दूंगा जी बिना बिजली का घर तो दे दूंगा थार लोग करा दूंगा और बोला नंबर दो फिर थाने मैं एक बात कह के चाह रहा हूँ देखियो तुम प्रताप भाई सबको क्लास चले मारो पढ़ो भाई है कोई बात नहीं तुम समझो मैं एक ही स्कूल में पढ़े रहा मैं करो करो तने खड़े तकलीफ हुआ जब मैं क्यों मैं तो अभी विषय पढ़ा दूसरों देखो थाने क्यों ना जी एक करियो कोई काम है मैं फिर अथोराइज करके जाऊँ इन्हें रंजीत सिंह समझियो थारा कोई काम हो ना दे दो थारा काम एक मिनट भी रुक जाओ बुधराम जी थारी गौशाला के वहां जो मेरे हाथों देना है मेरे महक में मेरी पिया है ना तो मैं थन कह दी 5 लाख दे दूंगा जाते ही चेक भिजवा दूंगा अगर मेरे मन अभी देखना पड़ेगा मेरे खाते में कितना एम एल ए नहीं 5 करोड़ मेरा थाने 5 लाख भिजवा दूंगा बाकी वो फिर आ दूंगा कभी सीएम को ना दे खारी अर दे मोटो झटको लगवा दूंगा 25 एक मिनट बाकी और कोई गाँव को काम की सोच लो थारे देखो बढ़िया लगे है कॉलेज तो आबादी पर की नियम में बने आप बस स्टैंड करवा देंगे जी बस स्टैंड हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं करा दूंगा जी कोई बात बाकी छुट्टा ले लेना थे तो एक मिनट ये तो हो रहा ना सुधेख रो थाने कोई केस सुधार है मन में बीओ क्यों कोई काम में सुधार करना वह कोई बदमाशी होती है वह कोई और किने काम ने तंग हो गए सामूहिक काम ने तो मन बता दियो एक मिनट में काम कर दूंगा थारो चिंता ही ना करियो थे मोटर कनेक्शन बताइए जी एक्शन साहब ये गाड़ियों में एक मिनट मेरी सुनो डानियम कनेक्शन है नी एक मैं यार पूछो मैं लिए बताओ कौन तो आगे बोले हुए तेरा गानिया में कनेक्शन बिजली तार लगे है नी सब खंबा बस आंग है ना जी अगर होंगी है तो कभी करवा दो परसों ना चलो चलो एक मैं थाना बताऊं सुन लियो देखो मैं थाने अगली बात फिर बताऊं
जो साहब के मैं चार हूं, मेरे बेटे तो ठहर गया ही राजनीति में, अभी तो मैं कर लाग रहा फिर की बात आ गए है। अभी तो कहना ओम प्रकाश जी का बच्चा सेट हो गया, दोनों पोता और बेटो दोनों बन रहे, मैं बन रहा हूँ, अब रहेगा जगदीश को घर, तो भाई थे है ना छुटा लो सारो जी, चो साहब के सिर पर हाथ रखेंगे, सिर पर हाथ रख आऊ बढ़िया थाने चो देवलाल के घरों बढ़िया क्षुद घर को नहीं थे नहीं मांगे या ना थाने ही बातों के लेनो देनो काम तार में दो खड़िया रंजीत सिंह खड़ो जगदीश होकर खड़े थाने ही बातों के लेनो देनो मैं थारे बैठा थाने मारा पर मेरे पर भरोसा है नहीं कि वो साथ दो और कोई काम हो न क्यों मैं सारा धुआं उठा दूंगा थारे काम की इकट्ठी कर सको क्योंकि अगला काम मैं जाना फिर कभी एक दिन पूरा बड़ो प्रोग्राम करियो भी दिन मैं कोई गांव की डिमांड आ जाए मैं अगले मिनिस्टर को अप्रूवल ले लूँ क्यों मंगा रहे चुटा ना तो तंगड़ियों पर समांगा कोई कभी कोटे और जमल क्या लेते रहो ठीक है सुना सानी ठीक हो है नहीं चल बढ़िया बढ़िया कोई काम हो पोत हो तो बता दे लख जी को घर पुरानो है तो साहब आप खूब रहोगे खड़े हुए क्योंकि और को वह तो बता दे करो भाई माने पाऊ आज भी मेरा काम काट दूंगा तू परवाही ना कर मिलूंगा और बस भाई सारी आएगा फिर एक दिन फिर आऊंगा आज तो मैं चो साहब भी बन गए ठीक है होता चाहे लीडर ऑफ दी अपोजिशन में चाहे बनया मैं भी बन गए बाप के गम भी आया हूँ पहला थारकन आया हूँ कट कहूँ हल्को शुरू करूंगा अच्छा एक बात फिर मैं कह दू एक पहले एक ना जान दो लेडीज ना दो आना जान दे नंबर दो कोई पेंशन अधिकारी खड़ा है क्या जी पेंशन नहीं है एक है ना पेंशन की जकात में रेडियो की उम्र पूरी है गाँव में तस्दीक करवा दी चलो अच्छा देखियो अच्छा सुनो जगह कोई ये दंगा काम है ना क्योंकि पेंशन रुके दिए हुए उम्र को पूरा हो गया चक्कर काटो फायदो को नहीं आदित्य ने सारा फार्म दे के आ जाइयो एक दिन सारा सारा की पेंशन करवा दूंगा चाहे की पार्टी को माने कोई लेना देना कोई गम है कोई पार्टी को चाहे लोकदल को है कांग्रेस को है बीजेपी को है जेजेपी को माने की कोई नहीं चौधरी विराट की निगम देखा मैंने कोई काम है माने बता दियो अब पंडित थे बता दीजिए बता दियो अरे बन जाए को तेरा तू राशन तैयार कर दे ले बड़ा कर एक आदित्य दे दियो मैं कल